इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आजकल सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस जो मौजू है वो है धर्म परिवर्तन यानी कि मजहब तब्दीली, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं तशद्दुद का माहौल बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब स्कूलों पर पथराव इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ धर्म परिवर्तन की मजहब तब्दीली का शक हिंदुत्ववादी तंजीमों को आया, लिहाजा स्कूलों पर पथराव कर तनाव का माहौल देखा गया। लोकतंत्र भीड़ तंत्र पर गालिब तो पहले ही आ चुका है और कभी भी एक भीड़ शहर गांव में सड़कों पर उतरकर जय श्री राम के नारे देते हुए सड़कों पर भीड़ तंत्र देख सकते हैं। इन पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती, तभी तो यह फिरका परस्त, इन्हें कहीं भी कहां पर भी शक हो सकता है और इन्हें शक करने का हक भी शायद हुकूमत की जानिब से ही दिया गया, और बेबाक पथराव करते नारेबाजी करते फसाद बर्पा कर सकते हैं। और इसी के मद्देनजर रियासत कर्नाटक में भी धर्म परिवर्तन कानून को मंजूर करने के लिए 10 दिन का अधिवेशन बेलगाम में रखा गया। एक तरफ ओमिक्रॉन का डर, ओमिक्रॉन बीमारी को लेकर जोरदार इश्तेहारबाजी भी जारी है, दूसरी तरफ इस तरह अधिवेशन चुनाव वगैरह हुकूमतों की जानिब से अंजाम बारहा दिए जाते हैं और इससे पहले भी हमने देखा है। मतलब हमारी मर्जी, हम कुछ भी फैसला ले सकते हैं, ऐसा इनका एक पैगाम इसमें छिपा हुआ होता है। अब धर्म परिवर्तन कानून का भी दोहरा चेहरा देख सकते हैं और इसके लिए सबसे बेहतरीन मिसाल के तौर पर वसीम रिजवी मलऊन का नाम ले सकते हैं। जब कानून सबके लिए एक है तो वसीम रिजवी धर्म परिवर्तन करता है तो पूरा मीडिया, पूरी सरकारी एजेंसियां इस मलऊन के हक में खड़ी होती नजर आती, जबकि आज भी उमर गौतम को जेल में रखा है। यानी कि यहां से उस तरफ अगर मुसलमान कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसकी घर वापसी है, अगर कोई हिंदू दलित या कोई भी अगर वो ईसाई या मुसलमान बनता है तो ये धर्म परिवर्तन है और ये नहीं होना चाहिए, यही दोगला एक तरह का रवैया देखा जाता है। इसी मजहब तब्दीली का इल्ज़ाम लगाकर आज भी उमर गौतम को जेल में रखा गया है और यही मजहब तब्दीली का इल्ज़ाम लगाकर मध्य प्रदेश में अंग्रेजी स्कूलों पर इसी तरह पथराव भी किया गया। सवाल तो ये भी उठता है कि जब इन्हीं पत्थर फेंकने वालों के बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं और यहीं पर दाखिला के लिए कतारें भी लगाई जाती है इन्हीं लोगों की जानिब से, गुजारिश इल्तजा कर बच्चों को पढ़ने के लिए यानी कि अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं तो वो बड़प्पन समझा जाता है, लिहाजा सेंट जेवियर, सेंट पॉल, सेंट मेरी, सेंट जोसेफ में इससे पहले भी तो अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में दाखिला लेना बासे फक्र समझा जाता था, अब भी जारी है। अब अचानक यह धर्म परिवर्तन होने का एहसास इन्हें होने लगा है। मतलब मजहबी नफरत को बतौर सियासी एजेंडा चलाकर किस तरह वोटों को ध्रुवीकरण किया जाता है और किस तरह स्कूलों को तक अब निशाना बना जाता है, यही एक मकसद इसके पीछे रहता है, तभी तो बारह इस तरह के वाकया देखे जाते हैं। वसीम रिजवी पर बहुत बड़ा वबाल हो जाएगा ऐसी उम्मीद भगवाधारी मीडिया कर रही थी, लेकिन मुसलमानों की तरफ से नजरअंदाज कर दिया गया। मुस्लिम उलमाओं ने तो कहा कि उसे तो पहले से ही इस्लाम से खारिज कर दिया गया। शिया और सुन्नी मौलानाओं ने कहा कि वो किसी भी मजहब में चले जाए उससे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे यूं भी कहा कि इस्लाम का नहीं हुआ वो दूसरे मजहब का क्या होगा, सियासी मुफाद हासिल करने के लिए इस तरह से मजहब तब्दीली कर उस तरफ गया हुआ, ऐसा मौलाना कारी इश्ताक ने कहा। अब इसी पस मंजर में रिजवी को अब त्याग ही बना दिया गया, यहां तक अपने बाप का भी नाम इसने बदल दिया है। वसीम रिजवी का नाम अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रखा गया है, यानी कि अब जिसने उसे पैदा किया था उसी का वो नहीं हुआ। सबसे पहले सैयद वसीम रिजवी कहा जाता था जो 2000 में समाजवादी पार्टी से कारपोरेशन चुनाव में लखनऊ कश्मीर मोहल्ला से कारपोरेटर भी मुंतखब किया गया था। 2008 में शिया व बोर्ड चेयरमैन के अहदे पर फाइज हुआ, वह बोर्ड में रुपयों का घपला किया गया, शिया मजहबी रहनुमा कलवे जवाद से भी इसका तनाजा रहा, लिहाजा इसे बाद में शिया व बोर्ड से निकाल दिया गया। अब इन तमाम मामलों पर तस्करा किया जाए तो सवाल ये भी उठता है कि और कितने वसीम रिजवी मुसलमानों में छिपे हुए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों में वह नजर ही नहीं रही जो दुश्मनों को पहचान सके। अल्लामा इकबाल ने कहा, कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। मतलब हम असल दुश्मनों से ज्यादा मसलक इख्तलाफात के आदि हो चुके हैं, मुनाफिक दुश्मन इस्लाम हमारे दरमियान ही पलते फूलते रहते हैं, बड़े बड़े अहदों पर बैठकर मुस्लिम समाज को ही दीमक की तरह खोखला करने का काम किया जाता है, लेकिन हमें कभी हमारे असल दुश्मन को ही पहचानना छोड़ दिया और अपनों को ही दुश्मन समझने लगे। जाहिर आज जो हालात मिल्लत और इस उम्मत में रूनुमा हुए हैं इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। दरअसल वसीम रिजवी यतीन नरसिम्हानंद गिरी का ही चेला था और इसे शायद इसी मकसद से भेजा गया था। हमारा तो ये कहना है कि अगर यह पहले उस तरफ चला जाता तो बेहतर हो जाता, लेकिन उसने वो तमाम हुदूद को पार किया जिस काम को देकर उसे भेजा गया था।
इसने नाउज़बिल्लाह कुरान की आयतों को हटाने की मांग की। फिर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए किताब लिखी। महज मुशरिकों को खुश करने के लिए इस तरह के कामों को वो अंजाम देता रहा। और इस दौर फितन में ताज्जुब नहीं कि ऐसे वसीम रिजवी हर शहर से निकले। जरूरत है हमें बेदार होने की, लेकिन जिस रफ्तार से मुस्लिम माशरा बढ़ रहा है, लगता नहीं कि कुछ बेदारी की रमक इनमें बाकी है। आज भी इन्हीं घटिया नुस्खे मसल के इख्तलाफात का शिकार होते देखे जा रहे हैं। मस्जिदों में, गली मोहल्ले में कौन किस मकसद से आता जाता है, इस पर हमारी नजरें नहीं रहती। हमें खुद हमारे घर का ही जायजा लेने की फुर्सत नहीं तो माशरे का कौन सोचेगा। हर किसी को दुनिया की पड़ी हुई हलाल हराम की कोई तमीज नहीं। लिहाजा इस तरह के हराम खोर माशरे में पैदा होते रहते। वसीम रिजवी ने अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी इसलिए रखा क्योंकि इसे कोई ब्राह्मण तो समझने के लिए तैयार नहीं, और ब्राह्मण तो इसे अपने मजहब में लेने वाला नहीं है क्योंकि खुद यति नरसिम्हानंद स्वामी त्यागी बिरादरी से है और हिंदुओं में त्यागी निचले दर्जे के माने जाते हैं। अब शिया मुसलमान से हिंदू तो बन गया, लेकिन हिंदू में किस जात में चला जाएगा। उम्मीद इसने ये भी की थी, शिया में अपने आप को सैयद कहता था, तभी तो शिया वक्फ बोर्ड का सदर था। अब यही उम्मीद करके आया था कि इसे हिंदू में भी ब्राह्मण बनाया जाए, आला जात का ब्राह्मण इसे कहा जाए, लेकिन हिंदुओं में ब्राह्मण किसी को बनाने नहीं दिया जाता, ये भी सच है। तभी तो इतनी सारी जातियां हैं। लिहाजा इस्लाम मुसलमानों को बदनाम करने की जिम्मेदारी इसे दी गई थी, जो ये बखूबी निभाता भी रहा। नबी की शान में गुस्ताखी की किताब पर इसकी गर्दन उड़ाने वालों को 11 लाख का इनाम भी रखा गया। जो भी हो, लेकिन वसीम रिजवी के जरिए मुनाफिकों की पहचान करने का इशारा तो मिला। जरूरत है माशरे को बेदार होकर अतराफ में, और कितने आस्तीन के सांप है इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि इसे शिया था कहकर छोड़ना मुनासिब न होगा। इस तरह के मुनाफिक हर दौर में निकले हैं और आगे भी आते रहेंगे। समझने की, बेदार होने की और चौंकर न रहने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर नुकसान गैरों से भी ज्यादा अपनों में पनपते मुनाफिकों से हुआ है। महज चंद इबादतों के दायरे में सिमट कर रहना छोड़कर बाहर निकले, दुश्मनी की साजिशों को, दुश्मनों के मंसूबों को समझे, मसलकों से बाहर आए, मेरी किताब, मेरा मौलाना, मेरी जमात से बाहर आकर उम्मत वाहिदा बनने की कोशिश करे। वरना इस तरह के फितने हर दौर में उठते तो रहेंगे, लेकिन कौम मिल्लत जब मुत्तहिद होगी तो ऐसे फितने अपने आप दब जाते हैं। ओमिक्रॉन के मद्देनजर सेहत महकमा की जानिब से हर रोज 6,000 कोरोना टेस्ट करने को बेलगाम जिला सेहत महकमा को हिदायत दी गई। तकरीबन 10 तालुकाओं में हर रोज 600 से भी ज्यादा स्वैब टेस्टिंग किए जाएंगे। जब से ओमिक्रॉन का तबसरा जारी है, लोगों में फिर से वैक्सीनेशन के लिए भीड़ भी करते देखा जा रहा है। दूसरी ओर सेहत महकमा की जानिब से स्कूलों को किसी तरह बंद न करने का भी ऐलान किया गया। मैं कुछ ही दिनों पर कानून साज असेंबली चुनाव होने जा रहे। बेलगाम के लिए तमाम बड़े सियासी पार्टियां अपना जोर लगा रही है। आजाद उम्मीदवार के तौर पर लखन जारकीहोली की भी चर्चा जारी है। पहला वोट हासिल करने का मुकाबला भी जारी है। खरीदो फरोख्त का बाजार भी गर्म हो चुका है। यहां तक इतना हासिल हुई है कि 1 लाख के करीब एक वोट को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा के तमाम तजुर्बेकार लीडर अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर वोटरों को माइल करने में लगे हुए हैं। पिछली मरतबा भाजपा ने हल्की बढ़त हासिल कर जीत दर्ज की थी, पर इस बार कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि जीत को दर्ज करे। कांग्रेस की जानिब से सिद्धरमैया, डीके शिवकुमार यानी हारिस और दिग्गर जिम्मेदारान बेलगाम दौरे पर 12 देखे जा रहे हैं, तो आज भाजपा की जानिब से वजीर आला बोम्मई भी बेलगाम में तशरीफ आवर थे। अब देखना है कि कौन बाजी मारता है। चोरों ने फिर अपना रुख मंदिरों की तरफ किया हुआ। पिछले कुछ महीनों में मंदिरों के ताले तोड़कर देवी देवताओं की मूर्तियों पर लदे जेवरात चोरी होने की वारदातों में जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है। पिछले महज 2 दिनों में ही शहर के मशहूर मंदिरों में चोरी हुई। हासिल इत्तला के मुताबिक पांगुड़ गली के अश्वत्थामा मंदिर में मूर्ति के सर पर रखा ताज ही चोरी कर लिया गया है। उसकी कीमत फिलहाल 4 लाख रुपए होने की बात कही जा रही है। और एक मंदिर में भी चोरी का शक जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि मूर्ति के कपड़े भी चोरी कर करीब के कॉम्प्लेक्स में फेंक चोर भाग जाने की भी बात कही जा रही है। मंदिरों पर इस तरह चोरों का निशाना बनाने से आवाम में इंतजामिया को लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है। इसी तरह गांधीनगर मारुति रोड के जैन मंदिर से तकरीबन 8 मूर्तियों पर चोरों ने हाथ साफ किया। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के सुबह 5:30 बजे जब पाटिल नामी शख्स ने दरवाजा टूटा हुआ पाया, तो चोरों ने तकरीबन 65,000 रुपए की रकम और 8 मूर्तियां तकरीबन 2 लाख रुपए कीमत की थी लेकर गाड़ी से फरार होने के बाद सामने आई है। मामला माल मारुति पुलिस थाने में दर्ज है। पुलिस तहकीक भी जारी है। चोरों को पकड़ने के लिए डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था। मंदिरों पर हाथ साफ करते चोरों से आवाम के साथ पुलिस भी परेशान नजर आ रही है। क्या अब चोर भगवान को भी नहीं बख्शने वाले, ऐसा सवाल आवाम की जानिब से करता देखा जा रहा है।
खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।